हेलो दोस्तों, आज हम सेट का कलर बनाना सीखेंगे। देखिए ये स्टोन है। अब यहाँ सर हम पैर भर की सिलाई लगाते हुए, ये कलर है, इस पर हम लपकी सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर ना चढ़ने पाए। बुकरम से बिल्कुल हल्का सा हटा के सिलाई लगाएंगे। ये जो कपड़ा है इसे काट लेंगे दबाव छोड़ते हुए आधा इंच का। कपड़ा को कट कर लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से स्टोन का भी कपड़ा है जो, उसे भी कट कर लेंगे आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए। बीच और बीच सेंटर पे एक कुटका लगाएंगे। अब कॉलर को सीधा करेंगे। अब कैंची की नोक से कॉलर की नोक को सीधा करेंगे। इसी प्रकार से ये भी नोक सीधा करेंगे। अब हम पैर भर की सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इधर भी लगाएंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा है फालतू उसे हम कट कर लेंगे। अब बीचों बीच में एक कुटका लगाएंगे, इस कुटके को उस कुटके से मिला देंगे और पैर भर की सिलाई से दबाव लेते हुए सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर न चढ़ने पाए। यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे। अब हम एक कपड़ा काटेंगे 3 इंच की पट्टी, जो कि हमारे कॉलर को बनाने में इसे यूज करेंगे। यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे कॉलर की। यहाँ पर भी हमें यही ध्यान देना है कि पहले जो हमने सिलाई लगाई थी उसी प्रकार की लगेगी। इस पर भी बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। ध्यान रहे। पैर भर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर भी लगाएंगे और जो फालतू का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई अब कपड़ा काट लेंगे जो फालतू का कपड़ा है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए। इसे भी हम सीधा करेंगे फोल्ड करके। अब हम यहाँ से जहाँ पर कॉलर की सिलाई लगी हुई है वहीं से हम उसी की सीध में कॉलर की सिलाई लगाएंगे पैर भर की। पैर भर की सिलाई लगाते हुए अब हम जो कपड़ा जो बन चुके कॉलर का उसे दबाव छोड़ने के लिए आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए काट लेंगे। और ये मेरा कॉलर बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।